Thank you for reminding me. So, again for sorry for this. Okay. So हमने हमेशा बचपन में सीखा है अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, बड़े भाई बहनों से. कभी भी हमने बहुत पेंसिल को या पेन को बहुत पास से पकड़ा है तो हमेशा डांट पड़ी है कि थोड़ा दूर से पकड़ो, है ना. प्रेशर कैसे लगाना है, बहुत गाड़ के मत लिखो, पेज फट जाएगा, राइट. कॉपी को सीधा मत रखो, जैसे हमने कॉपी रखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखना है उसको, थोड़ा ऐसे करके इस तरीके से अनप्रोटेक्टेड लिखो. ये सबके साथ हुआ है. फाइन, आई होप यस सो. और मैं कर सकती हूँ इंटरप्रेट कि सभी के साथ हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हर किसी के साथ. हम अपने बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं, राइट. लेकिन क्या आपको पता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड बहुत फ्री होता है, उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है और वो उन्मुक्त होते हैं, कैसे भी करते हैं. लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है, हमारा समझने का तरीका बदलता है, तो हमारे पेन पकड़ने का तरीका, कॉपी रखने का तरीका, लिखने का तरीका, एक लाइन की कॉपी पे, चार लाइन की कॉपी पे लिखने का तरीका, सब बदल जाता है, राइट. होता है ऐसा. सोचिए जरा, अगर हम ये देखते हैं, जब हमारे सोच बदलती है, हमारे अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं, नॉलेज आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसके हिसाब से हम अपने, सिर्फ ये जो फिजिकल चीजें हमें दिख रही है उसका तरीका हम बदलते हैं, तो जरा सोच के देखिए, जैसे जैसे हमारी थिंकिंग बदलती है, उस तरह से हमारी राइटिंग भी तो बदलती होगी, राइट. कभी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और कभी लिखने की कोशिश करी है, देखा है कितनी गंदी राइटिंग आती है. चलिए यस कहीं साइन करने हैं और बहुत प्रेशर है साइन करने का, तो आपने देखा है कभी भी साइन ऐसा लगता है भूल जाते हैं. बैंक में भी कभी कभी भूल जाते हैं कि अरे क्या था साइन, स्ट्रेस में अगर होते हैं तो. होता है सबके साथ, कभी ना कभी तो हुआ होगा ऐसा. एटलीस्ट हाँ ना, थम्स अप्स, मैम जरूर हुआ होगा, बट हमने शायद ध्यान नहीं दिया इतना। मगर राइट. हाँ, स्ट्रेस में हर आदमी हर सब कुछ मिसबिहेव टाइप ही करता है, कुछ भी कर लेता है जो उसको समझ आता है उस समय। हाँ, मैं यहाँ बिहेवियर की नहीं, मैं राइटिंग की बात कर रही हूँ. जब आप लिखते आई हो स्ट्रेस, अंडरस्टैंड। तब कैसे लिखते हो, हाँ राइट, हमने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया है, बट हाँ है ना. ऑब्वियसली वी अच्छा, एग्री विद यू। एक बात और बताइए, जब एग्जाम चल रहा होता है ना, और टाइम कम होता है लास्ट लास्ट का, राइट तब क्या हाँ, होता है. तब तो हम स्क्रिबल करते हैं एक तरह से, बस बस कि हम यही लिख दें, एटलीस्ट आपको ये हो जाए हमारे वर्ड्स के वो टिपिकल वर्ड्स, वो दो चार जो होते हैं समझ आ वो लिख। जाए. हाँ, पूरी राइटिंग टोटली चेंज हो जाती है. राइट राइट इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग हमारी सोच के ऊपर डिपेंडेंट राइट है ना. तो आप खुद सोचिए, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो राइटिंग भी अच्छी आएगी, शब्द भी अच्छे निकलेंगे, है ना. स्ट्रेस पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा. तो कभी सोच के देखिए, हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, कभी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते. आपको पता है, अगर आपकी आज भी राइटिंग या थोड़े कुछ अल्फाबेट्स अगर थोड़े तरीके से लिखे जाए, पेन सही तरीके से पकड़ा जाए, इवन जो पेन होता है जो आप खरीदते हैं, वो आपकी उंगलियों के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके नाखूनों के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपका हाथ कब कैसे दुखेगा कैसे नहीं दुखेगा, उस पर भी डिपेंड करता है. पेंसिल कैसी होनी चाहिए वो भी डिपेंड करता है. अगर आप सही तरीका हर चीज में अपना लें तो राइटिंग का कोई इश्यू ही नहीं आएगा, और आपका थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा. कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, राइट. हमारा सेल्फ एस्टीम लो है, ये तो सुना होगा ना, कुछ भी करना है घबराहट हो रही है, फियर्स हैं. कितने लोगों को डर लगता है कोई भी चीज में, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे रिस्क टेकिंग हो, फाइनेंसेस का हो पॉइंट, या कहीं बिजनेस में पैसा लगाना हो, डर लगता है. तो मैम क्या आप एवरीबॉडी हैव राइट, देयर ओन काइंड ऑफ फियर्स। और ये सारे फियर्स आपकी राइटिंग में दिख जाते हैं,
आप भले ही ऊपर से कितना ही मना कर लो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग आपकी सच्चाई बता देती है। और आप जानते हैं जितने भी फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं ना, उसमें राइटिंग का होता है, राइटिंग ली जाती है उनके क्रिमिनल्स की, इवन उनके जो सिग्नेचर्स होते हैं वो लिए जाते हैं, और उसके ऊपर उनकी सच्चाई भी डिस्क्रिमिनेट हो जाती है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इट्स सो सिंपल। और हम डेली बेसिस पे इतना लिखते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। कौन सोचता है इस बारे में? आप लोग यहाँ पर हैं, कभी इस पैटर्न पे सोचा है कि अगर हम अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधार ले तो हमारे सोचने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा? मैम ये तो नहीं मालूम था, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम पहले थोड़ा प्लेनेटरी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। तो मेरा बेटा जैसे 18 तारीख उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे लगा कि वो मंगल का है। तो मैं उसको बोलती थी कि तू जैसे मंगल का है तो तेरे तेरे सिग्नेचर्स में एक शार्पनेस होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड होने, उसके बिल्कुल बहुत छोटे से बड़े स्लीक से बनाता है, बहुत ही छोटे से। तो मैं उसको बोलती थी थोड़ा, जैसे उसका नाम है कुशज, तो के मैं कहती थी के का वैन तो एटलीस्ट बड़ा कर ले, लंबा कर ले, तो वो अच्छा था। तो थोड़ा सा मुझे लगता था दैट वे करके था, बट जिस तरह आप बता रहे हो इतना डीप में तो खैर नहीं गए हम लोग। Ma'am, I studied some books on graphology and I have observed this thing that you have to change some of the points in which it is clearly shown your attitude, like eye के ऊपर आप जो pointer लगाते हो वो right जा रहा है या left जा रहा है, या आपकी writing जो है वो अगर right की तरफ fall कर रही है, मतलब आगे की तरफ, that means you are futuristic, पीछे की तरफ जा रही है तो आप past oriented ज्यादा हो, और अगर बहुत ज्यादा straight लिख रहे हो तो आपकी ego बहुत ज्यादा है, और अगर आपका नीचे वाई बहुत लंबा दिख रहे हो तो इट शोज समथिंग एल्स, और इस तरीके के, मतलब टी में जो आपने कट करके, हाँ जी, आपने कुछ ट्रेड्स उसके पढ़े हैं, राइट? जी, आई हैव स्टडीड, इट्स अ गुड थिंग दैट यू नो समथिंग अबाउट इट, सो दैट अगर कुछ चीजें हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं, नो इश्यूज। Now, it's very interesting to see that how we write, and if somebody is writing in a very straightforward words, that means his or her ego is too much. And or agar aage ki taraf likh rahe hain to wo futuristic hai, beech mein gap kitna de rahe hain, gapping agar zyada aati hai to that means they are thinking too much before writing. Matlab this is what the book says. This is what I observed in that. बिल्कुल बिल्कुल, thank you for this insights. देखिए आपने जो पढ़ा है वो books में आराम से मिल जाएगा, है ना? लेकिन जब जो अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर therapies करवा रही हूँ, आपकी writing देखकर आपको कुछ suggestions दे रही हूँ, तो मैं मेरा जो होगा वो with experience होगा कि हाँ मैंने देखा है, मैंने study किया है. Even I don't want कि यहाँ पर जितने भी आए हैं, जो भी ग्राफोलॉजी सीखने आए हैं, ग्राफोथेरेपी के बारे में जानने आए हैं, मेरा मेन पर्पस पता है क्या है? ये नहीं है कि आप मुझे अपनी राइटिंग भेजो और मैं एनालाइज करके आपको ये बताऊं कि इसको इस तरह से ठीक करो. आई वॉन्ट यू टू डू योर हैंड राइटिंग एनालिसिस. मैम मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ओनली वन, प्लीज लेट अस नो हाउ टू साइन प्रॉपरली. आई यूज टू साइन विद माई नेम और थोड़ा सा ऊपर की तरफ 90 डिग्रीज पे, 90 भी नहीं बोलेंगे exactly, थोड़ा सा पहले बाकी सबको ग्राफोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बता दूं. श्योर मैम, श्योर, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. जरूर बात करूंगी और सिग्नेचर्स के बारे में भी बात करूंगी, डोंट वरी. श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम. थैंक यू संदीप जी, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अंशु जी अपने सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सपर्ट है, तो प्लीज बी पेशेंस एंड लिसन केयरफुली. सॉरी आई एम अनेबल टू स्विच ऑन माय कैमरा, आई एम स्टिल इन माय ऑफिस एंड बस दिस इज माय क्यूरियोसिटी टू लर्न ऑल दीस थिंग्स. सो ओके, नो इश्यूज संदीप. मेन पर्पस होता है एटलीस्ट इंटरेक्शन कीजिए. विंडोज आप लोग किसी मजबूरी की वजह से हो सकता है, आल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं कभी कभी खोल सकते हैं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट कुछ मुझे इंटरेक्शन होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ सब लोग जगे हुए हैं, नहीं तो मुझे लगेगा 4 बजे की, 4:30 का टाइम है चाय पीने का और उसके बाद एक नैप लेने का, या उसके पहले नैप ले रहे हैं, तो फिर वो मजा नहीं आता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे. तो कनेक्ट नहीं होते आपसे. बिल्कुल, एक्चुअली मैं ही नहीं कनेक्ट हो पाऊंगी तो मैं आपको क्या बताऊंगी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. सी बेसिकली जो ग्राफोथेरेपी है,
ग्राफोलॉजी आपने सुना होगा, हैंडराइटिंग एनालिसिस सुना होगा, पर्सनैलिटी एनालिसिस भी होता है आपके राइटिंग के थ्रू, आपके सिग्नेचर्स के थ्रू, द वे यू ड्रॉ इवन. अगर आप कोई सीनरी बनाते हैं तो उसमें भी आपका थॉट प्रोसेस होता है. अगर आप पेपर के ऊपर स्क्रिबल करते हैं तो भी आपका थॉट प्रोसेस पता चलता है, या आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि पास्ट आपका कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, और फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे देखते हो. इंटरेस्टिंग. आप सोचिए, ये सिर्फ पेपर के ऊपर जब आप लिखते हैं उससे पता चल जाता है. मैम लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, सब कुछ तो व्हाट्सएप पे लिखा जाता है. आपको पता है आज भी मेरे पास इतनी कॉपीज हैं, और जब से मैंने ग्राफोलॉजी सीखा है तब से मैंने व्हाट्सएप पे टाइप करना काफी कम कर दिया है बहुत चीजों को. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग. मैं आप लोगों के साथ अपनी राइटिंग भी शेयर करूंगी, डोंट वरी, लेकिन क्लास में. ओके चलिए. तो बेसिकली ये क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर. मैं थोड़ा सा आपको एनएलपी भी इसमें जोड़ूंगी, बिकॉज यहाँ पूरा जो काम है वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है. मैं जब आपको ये बता रही हूँ कि भाई आप जब लिखते हो, जो भी आप लिख रहे हो, अब चलिए कोई चीज को आप कॉपी नहीं कर रहे लेकिन अपने सोच से लिख रहे हो, तो जो वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं. आपका जो मूड है उस वक्त वो आप पेपर पे उतार. इट्स एज सिंपल एज. आपने लोगों को नोटिस किया है कब, जिन लोगों को आ गया, काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज. नीना जी आपका शायद खुला हुआ. नहीं लेकिन आवाज नहीं रहा. सभी खत्म कर दिया था 10 मिनट बाद फ्री कर दिया था इन लोगों को. उसमें ना टाइम बहुत जाता है बिकॉज. ओके नेवर माइंड. रंजना जी म्यूट, थैंक यू. ओके सो वेयर वाज आई. या आप लोगों ने देखा है जब आपका कभी, जो लोग ड्राइंग पेंटिंग करते हैं या जिनको थोड़ा मतलब यू नो वो स्ट्रेस रिलीविंग समझते हैं उन चीजों को, स्केचिंग को, तो जब आपका मूड खराब होता है ना तो आप स्क्रिबल करते हो, यू नो यू जस्ट वांट टू स्क्रिबल कलर्स, पेंसिल से कुछ कुछ करना है. और जब आपका मूड अच्छा होता है तो एक बहुत प्यारा सा सीनरी या कुछ फिगर या फ्लावर या एनीथिंग यू मेक. होता है ऐसा कभी देखा है, जब बहुत गुस्सा आता है तो यू जस्ट वांट टू डू दिस वे, आपके हाथों के मूवमेंट्स आते हैं उसमें. हैव यू एवर नोटिस्ड, आंखें ऐसे बंद कर लेंगे, गुस्सा आएगा तो क्या करते हो आप, फिस्ट बनाते हो अपनी. क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है ऐसा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड आई टेल यू दिस साइंटिफिकली. ये हमारे न्यूरो मस्क्यूलर टास्क होता है. हैंड राइटिंग जो है वो हमारा न्यूरो मस्क्यूलर टास्क है. आपको पता है हमारे हाथों में तकरीबन 27 बोन्स होती है. ये फैक्ट गूगल से लिया हुआ है, तो अगर ऊपर नीचे हो यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर है तो आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ये पूरा फैक्ट जो भी मैंने लिया है ये गूगल से लिया है. ओके और ये हमारी अप्रोक्स 40 मसल्स से कंट्रोल होती है 27 बोन्स. और जो बोन्स होती हैं ये आपके लोअर साइड जो होता है जिसको हम फोर आर्म बोलते हैं, इनमें सबसे ज्यादा ये काम करती हैं. और ये जो होती हैं ये जो हमारा आर्म होता है उसके टेंडन से जुड़ी हुई होती हैं. ये जाता है आपके सेरिब्रम पे, जो आपका हम कहते हैं ना छोटा दिमाग, मेडुला ओब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के इधर से जुड़ता है, जो वहां पर फिर एक सेरिब्रम होता है, उससे ये सारा बैलेंस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स और मोटर स्किल्स कंट्रोल होती है. स्पाइनल कॉर्ड से होता है ये बात सबको पता है कि भाई यहाँ जो गर्दन में जो मसल्स होती हैं हमारी, यहाँ से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है. ये बात तो सबको पता है राइट. तो इसी तरह से हमारे हैंड मूवमेंट्स भी कंट्रोल होते हैं. जब आपको गुस्सा आता है तो आप ऐसे फिस्ट बनाते हो, जब आप हैप्पी होते हो तो यू आर लाइक वाओ स्माइलिंग फेस आ रहा है, हाथों के जेस्चर्स अलग हो रहे हैं. तो हमारे हाथों का और हमारे माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन है राइट. तो जब हम इन दोनों चीजों का कनेक्शन है तो ऑब्वियसली जब हम लिखते हैं, पेपर सॉल्व करो हमारा, सॉल्व करें. भावना सोनी जी प्लीज डोंट मेक प्लीज प्लीज. हाँ क्योंकि वो क्या होता है ना, लिंक टूटता है और कुछ नहीं है.
सो जब इतना गहरा कनेक्शन है तो ऑब्वियसली हमारी राइटिंग में भी कनेक्शन होगा, हमारे मूड स्विंग्स होंगे तो हमारी राइटिंग भी ऊपर नीचे होगी. अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, कभी भी ना अगर आप बहुत ज्यादा रिबेलियस मूड में हो, रिबेलियस समझते हैं ना जो रूल्स है उससे अलग हटके कभी काम करने का मूड होता है, मम्मी ने कुछ बोला या हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ ने कुछ बोला और आपको नहीं करना है, आप लिख के देखिए, उस वक्त आप लाइन से ऊपर लिखोगे, लाइन पे लिखने का आपका मूड नहीं, बिकॉज लाइन इज अ रूल, राइट. जो लाइन होती है वो क्या होता है, दैट इज अ रूल कि आपको उसके ऊपर लिखना है. आप कुछ वर्ड ऊपर लिखेंगे कुछ नीचे लिखेंगे बट वो स्ट्रेट नहीं आएगा जब आपका मूड उस तरह का होगा. जब आपको गुस्सा आएगा या आप कंफ्यूज होंगे तो आप देखेंगे आपके एक ही वर्ड के लेटर्स कभी लेफ्ट में जा रहे हैं, कभी स्ट्रेट जा रहे हैं, कभी राइट में जा रहे हैं. होता है, कभी नोटिस किया है ये सब? नहीं, हम लोग अपनी राइटिंग पे ध्यान ही नहीं देते है ना, बस उस वक्त देते हैं जब टीचर को चेक करवानी होती थी कॉपीज, तब देते थे, उसके बाद सबने छोड़ दिया. चलिए तो क्या होता है, बेसिकली ग्राफोलॉजी जो है, ग्राफोलॉजी हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न है. जब हम चलते हैं, वी आर वॉकिंग, ईटिंग और राइटिंग ऑन अ पेपर, वो हमारा कॉन्शियस एक्शन है जो हमें दिख रहा है, ठीक है. बट द वे यू प्लेस योर पेपर, द वे यू कीप होल्ड योर पेन, द वे यू स्टार्ट राइटिंग, कहाँ से शुरू कर रहे हो पेपर के ऊपर, मार्जिन छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, वो हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न. ओके आप स्क्रिबल भी करते हैं, सब ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस में आती है. ओके तो यहां तक अभी अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, और एल्स आई विल मूव फर्दर, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत सारी चीजें हैं. ओके बाय. चलिए आपको ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ. हमारा ए टू जेड जो अल्फाबेट्स होते हैं, या क से क ख ग जो होता है, हमारा मात्राएं होती हैं, ये मैं हिंदी और इंग्लिश की ही बात कर रही हूँ. इन जनरल जो भी ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो जनरली करते तो इंग्लिश की ही एनालिसिस है, बट आप हर लैंग्वेज का एनालिसिस कर सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ पर्टिकुलरली इंग्लिश का ही करेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज का एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड्स अच्छी तरीके से पता है तो. ओके तो अल्फाबेट्स क्या करते हैं, जो अल्फाबेट्स आप लिखते हैं ना ए बी सी डी, वो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जो वर्ड्स हैं, जो मैं वर्ड भी बोल रही हूँ, थॉट बोल रही हूँ, अल्फाबेट बोल रही हूँ, ये हमारे आसपास के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल. जो सेंटेंसेस होते हैं पूरे पूरे, वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरेस्टिंग. तो अल्फाबेट्स आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल को, एंड सेंटेंसेस आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो चलिए मैं आपको अल्फाबेट्स के मतलब तो बता सकती हूँ, सारे तो नहीं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके मैं आपको मतलब बताती हूँ. ए होता है, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, जब भी हम कभी ड्राइंग करते हैं और घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर की छत कैसे बनाते हैं आप लोग? एनीवन? हाथ से बता सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं? स्लांटिंग करते हैं दोनों तरफ, या एक तरफ स्लांट करते हैं, है ना, अ सॉर्ट ऑफ ए, कैपिटल ए. यस राइट. तो ए जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके घर को. अल्फाबेट ए जो है दैट रिप्रेजेंट्स योर हाउस. ओके अभी मैं यहाँ स्मॉल ए की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ए. ओके ओ जो होता है दैट इज योर कॉन्शियसनेस. इनके जो डीप मीनिंग है, इनको किस तरह से यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, वो सब आपको डीप नॉलेज कोर्स में मिलेगी. एच होता है, एच आपको नॉलेज गिविंग लेटर होता है. जो लोग हीलर्स होते हैं, जो गिवर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं,
उनके एच टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे गिव नॉलेज. बी है वो सेल्फ नॉलेज है जो आप एक्वायर कर रहे हो. द नॉलेज यू आर एक्वायरिंग रिप्रेजेंट बी. बी से पता चल जाता है कि आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो या यू हैव स्टॉप वट एवर इन डिटेल इट कम्स. नाउ द लेटर टी विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो टी है, टी है प्लानिंग एंड एक्शन. जैसे अभी संदीप जी ने कहा था कि उन्होंने लेटर टी है, उसका क्रॉस बार, एवरीथिंग ही हैज स्टडीड इन बुक्स. टी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है ग्राफोथेरेपी में, बिकॉज ये प्लानिंग और एक्शन होता है. और हम अगर अपने प्रेजेंट में अगर ध्यान दें तो हमें क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए? प्लानिंग चाहिए. जब हमने प्लानिंग कर ली तो हमें एक्शन की बहुत जरूरत है. और यही जो अल्फाबेट है ये एक चीज और रिप्रेजेंट करता है और वो है सेल्फ एस्टीम. ठीक है, आई, आई मतलब मैं. अगर आप कैपिटल आई लिखते हैं तो कैपिटल आई का जो स्टेम है दैट इज यू, ऊपर का जो है दैट इज योर मदर, नीचे का जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. एनीवन? यस मैम. थैंक यू, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. तो आप लोग इसकी डेप्थ में जाना चाहेंगे? आप लोग देखना चाहेंगे कि और क्या क्या होते हैं अल्फाबेट्स में? आई वाला दोबारा बताएंगे जब भी. आई, आई से आप क्या समझते हो? आई मतलब मैं, राइट? आप आई को मैं ही बोलते हैं ना कि मैं, आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना? तो आई में क्या होता है, अगर जो सिंगल आई है जिसमें डॉट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल आई. ओके, कैपिटल आई में जो ऊपर का है, जो हॉरिजॉन्टल बार है अपर वाला, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को. जो नीचे वाला है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फादर. तो हम अगर और थोड़ा सा डीप में जाए, चलिए मैं आपको एक दो चीजें और बता दू. अभी जैसे इसको हम किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का जो है वो आपके मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे का आपके फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये तो सिर्फ एक आई का लेटर, मैंने सिर्फ आपको अल्फाबेट का बताया, ठीक है? अब आप ध्यान से दे सुनेंगे कि पेपर के ऊपर जब हम लिखते हैं, फुल एक पेज हम लिखते हैं, उसको कैसे बाइफोकेट किया जाता है. ये एक पेज है, फुल पेज. इसको मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो आपका आगे का होता है ना, जो मार्जिन के साथ आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये मार्जिन है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. हाँ, okay. अब ये मार्जिन में अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक अप्रोक्स यहाँ पर एक लाइन खींचा है और एक यहाँ पर, तो ये जो शुरू का पार्ट है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. बीच वाले जो लेटर्स हम लिखते हैं ना, सॉरी, वर्ड्स जो हम लिखते हैं वो हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हम लास्ट में लिखते हैं वो हमारा फ्यूचर होता है. और जब हम ग्राफोथेरेपी करते हैं या ग्राफोलॉजी करते हैं, ग्राफो एनालिसिस करते हैं, तब इन ट्रेड्स को बहुत ज्यादा ध्यान से हमें समझना पड़ता है कि आप पास्ट में कैसे, जब भी आप कभी भी किसी राइटिंग को एनालाइज करेंगे
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड के ऊपर होता है, अल्फाबेट का जो स्लांट होता है वो किस तरफ जा रहा है उसके ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड करती है और एनालाइज की जाती है. ओके तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हर इंसान को क्या चाहिए होता है, पेरेंट्स जब हम छोटे होते हैं, अभी से अगर हम पास्ट लें अपना, तो बचपन से अभी तक क्या चाहिए होता है, पेरेंट जब छोटा बच्चा होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको अपने आइडेंटिटी की जरूरत होती है, उसको अपने रिलीजन की जरूरत होती है, कंट्री सोसाइटी ये सब चीजें जरूरत है पास्ट में, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट करते हैं. ओके करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट जो चीजें होती हैं, प्रेजेंट में वी प्रिफर आर एक्शंस बिहेवियर्स एंड मूड्स जो हम आज कर रहे हैं. ऋतु जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ, चंदा जी, श्वेता, श्रद्धा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देखिए मैं कंपलसरी अगर म्यूट करूंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. तो क्या हुआ इसमें, शुरू का जो होता है पेज का ओरिएंटेशन जो आप लिखते हैं सीधा वो पास्ट होता है, बीच का आपका प्रेजेंट होता है और फ्यूचर मतलब जो लास्ट पार्ट है. क्लियर है? मुझे लग ही रहा, मुझे लग रहा मैं प्लेन स्क्रीन से बात कर रही हूँ सर, यू नो. सूर्या जी एंड विजय जी आपको बहुत बहुत थैंक्स है क्योंकि आप दोनों ने ही अपने वीडियो ऑन रखे हैं, बाकी सब यहाँ पर कितने हैं सब ने अपने वीडियोस बंद कर रखे हैं. ये फ्यूचर में जो लास्ट लाइन छोड़ी जा रही है मतलब क्या हुआ इसमें, कहाँ छोड़नी लाइन छोड़ी मतलब पास्ट यानी कि शुरू का मार्जिन छोड़ा है वो, मार्जिन के बाद जो आप लिखते हैं ना वो प्रेजेंट के बाद जहाँ पर भी आपने लिखा है. मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ लिखा है वो प्रेजेंट हो गया. ये हो गया आपका इधर का ये जो पार्ट है, दिस इज योर पास्ट. ओके तो ये बीच का जो पार्ट है दिस इज योर प्रेजेंट और ये जो लास्ट का है दिस इज योर फ्यूचर. ओके लास्ट में पेपर तो कितनी गैप छोड़ते हैं वो फ्यूचर है. हाँ जी. ओके कितनी गैप नहीं छोड़ते, कभी लोग क्या करते हैं ना पूरा लाइन से लिख लिया आपने, पूरा एंड तक लिख लिया, उसके बाद फिर अगर कुछ एक वर्ड रह गया तो वो वहीं पर नीचे लिख देंगे या ऊपर लिख देंगे, वो भी करते हैं ना. हाँ वो भी होता है. हाँ तो उसका एक अलग मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि उनके पास टाइम कम है और उनके पास काम बहुत ज्यादा है तो दे वांट टू फिनिश इट फास्ट, जहां भी जगह मिली लिख दिया. मैं भी करता हूँ ऐसे. तो फिर तो सर आप बता सकते हैं इस बारे में. मतलब मैम जैसे बीच में कोई शब्द भूल गए तो एक छोटा सा एरो बना के आप ऊपर की साइड में कर देते हैं. हाँ जी बिल्कुल करते हैं. So that indicates that you have less time and you just want to complete it down. नहीं. Then उसका basic मतलब ये होगा कि आप काम में है तो आपका काम है लेकिन आप बीच में ना उसको continuity नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपको back में जाके काम पूरा करना पड़ रहा है. अच्छा मतलब एक incompleted work को आप complete करने की कोशिश कर रहे हैं. करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. और ये आपके thought process में होगा, ये आपके daily routine में भी आप notice कर पाओगे कुछ कामों में, कुछ ट्रेड्स हमारे ना थॉट प्रोसेस से ही चलते हैं लिखने. ओके ठीक है. दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. एक्चुअली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी इंटरेस्टिंग. और जिन लोगों ने मेरे पास बेसिक किया हुआ है पर्सनालिटी का, अगर वो यहाँ है तो वो बता सकते हैं कि वी हैव एंजॉयड द होल मंथ लाइक एनीथिंग, क्लास खत्म करने का मन नहीं करता था. मैम आप ही पर्सनालिटी वाला क्लास लेते हैं रात के टाइम, आई थिंक 9:30 समवेयर. हाँ जी. अच्छा ओके. नहीं वो PLR वाला मैं कर रहा था, उसके बाद कुछ लोग शायद उसमें ज्वाइन करते हैं इसलिए वो हमेशा बात हो रही होती है और पर्सनालिटी क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. मुझे नहीं मालूम. ठीक है उसमें बेसिक्स थे, सारे बेसिक ट्रेड्स थे इसमें ग्राफोलॉजी के, ग्राफोथेरेपी के, और उसी से पर्सनालिटी एनालिसिस हुआ था. ओह इज इट. ओके या ओके. तो चलिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम उसको पेज को ऐसे बाइफोगेट करें, अब हम एक काम करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं या सेंटेंस ना लेते हुए हम पूरे पेज को ही ले लेते हैं. चलिए और इजी कर लेते हैं चीज को. अब आप ध्यान से देखिए जो आपका पूरा लिखा हुआ है पार्ट, अगेन आई विल शो यू.
ये पेन के ऊपर का जितना भी है एक अप्रोक्स, ये सारा आपकी इंटेलिजेंसी शो करेगा। पेन के नीचे का जितना भी है वो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो करेगा, और ये जो बीच का है वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी शो करेगा। आप जानते हैं जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, आप देखेंगे जब ऊपर के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऊपर की लाइंस होती हैं, उनका जो एंडिंग होता है वो डिफरेंट होता है, बीच की लाइंस का एंडिंग अलग होता है, और जो लास्ट की लाइंस होती है उनका एंडिंग अलग होता है। मैम आप वो बाइफरकेशन दोबारा बता सकते हैं? हाँ हाँ श्योर श्योर। देखिए एक अप्रोक्स होता है, इसमें मैं मेजर नहीं कर रही हूँ, आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ओके, ऊपर की मान के चले कि पांच या छह लाइंस जो होती, एक पेज के ऊपर अमूमन कितनी लाइंस होती है? 26 के करीब, 27 है ना, अप्रोक्स 25-26। तो आप उसको तीन पार्ट्स में कर लीजिए। ओके, ऊपर की जो लाइंस हैं वो आपके इंटेलिजेंसी शो करती हैं, आपके आइडियाज और आपकी इमेजिनेशन शो करती है। ओके, जो बीच का पार्ट होता है राइटिंग का, पेज का, वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज, आपके कोर्स जो आप करते हैं सुबह से शाम तक करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे जनरली क्या होता है, जब आपके पास टाइम कम होगा ना, तो जो बीच की लाइंस होंगी ना, वहीं पर आप ज्यादा वर्ड्स को एंड में लिखना पसंद करेंगे, अगर टाइम कम है तो। ऊपर और नीचे नहीं आता है, बीच में ज्यादा आता है, हैवीनेस आ जाती है बीच की लाइंस में। थर्डली, जब जो भी आप कर रहे हो उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, आप कितना मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हो, ओके, कितना पैसा आपके पास है, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, क्या एजुकेशन है आपका, वो सारा नीचे आप पता चलता है। वन मोर थिंग, अल्फाबेट्स होते हैं, चलिए आप लोगों का एक छोटा सा एग्जाम जैसा, टेस्ट जैसा भी ले लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि इसमें उससे पहले मैं आपको कुछ जोन्स के बारे में बता देती हूँ, सो आई थिंक सो दैट। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, ये अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, लोअर पोर्शन, यानी कि उधर गैप ज्यादा है कम है, उससे एनालिसिस कर रहे हैं? हाँ जी, उससे भी होता है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, किसी भी लेटर में तीन जोन्स होते हैं, कोई भी आप एक, इवन ये तो मैंने आपको पेज ओरिएंटेशन बताया, छोटा सा एक पार्ट बताया है, इसमें बहुत डीप है, उसमें मार्जिन कैसी है, आप आगे छोड़ते हैं, ऊपर छोड़ते हैं, नीचे कितना स्पेस छोड़ना है, साइड में कितना छोड़ना है, आपकी जो लाइन है, आपका लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, कुछ वर्ड्स आप लाइन के ऊपर लिख रहे हो, कुछ वर्ड्स इवन आप नीचे भी लिख लेते हो लिखते लिखते, ठीक है, कुछ में आप हुक्स बनाते हो, कुछ में स्लांट्स बनाते हो, मतलब स्लांट्स का मतलब होता है एक, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये हो गया लेफ्ट, आई होप सो ये आपको लेफ्ट दिख रहा है, या ये वाला लेफ्ट दिखेगा, इधर वेज आप लोग समझ जाइए, जो लेफ्ट साइड में कुछ लोग लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड में पूरी राइटिंग होती है, कुछ लिखते हैं एकदम स्ट्रेट लिखते हैं, कुछ एकदम राइट साइड में लिखते हैं, तो उनके भी अलग अलग ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, मेनली कोई भी अल्फाबेट का एक होता है अपर जोन, एक होता है मिडिल जोन, और एक होता है लोअर जोन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक तरह से आप लोग का टेस्ट है आज का, अपर जोन के अल्फाबेट्स आप कोई बता सकते हैं मुझे? मैम ए है, बी है, सी है, डी, ये तो मुझे भी आती है ए टू जेड जी, देन बाइफर्केशन चाहिए। देखिए यही तो मजा है, अपर जोन में कौन कौन से आप ले सकते हैं थोड़ा सा बताएं, संदीप जी आप ना बताइएगा, नहीं तो मजा बाकियों का खराब होगा। आई एम साइलेंट नाउ। हाँ जी बोलिए। डी आएगा, बी आएगा, एच आएगा, कहाँ आएगा? अपर जोन में। ओके, अब मैं स्मॉल ही लिखूंगी, ठीक है, डी, बी, और बोलिए सब लोग, बोलिए प्लीज पार्टिसिपेट। एच, पी, पी, एच, पी फॉर पंजाब वाला, पी देखिए कहाँ जाता है वो, के, के,
के एल एल सबसे एबीसीडी करवा लिया टी 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 जी बड़ा है ऊपर छोटा है टी में ऊपर बड़ा आता है गोल इसलिए पी रहा हूँ अभी मिडल में एफ भी आता है ना हो गया ये पूरा एफ आएगा एफ मैम अपर एफ आएगा एफ आएगा एफ इसमें नहीं आता एक्चुअली एफ सब में या दो तीनों में आता है F मैडम वैसे मिडल और लोअर में ही आता है A C C I E E अजी E E G नहीं G लोअर में आएगा ना ग्रेट देखा आप लोग समझ गए इजी है हाँ हो गए U आएगा मिडिल में U W U S V U आएगा W आएगा S आएगा K K Z Z Z Z लोअर में आएगा शायद K ऊपर आएगा मिडिल में Z लोअर में आएगा नहीं जेड आएगा ना मिडल में लोअर में वाई लोअर में आएगा हाँ जब मैंने ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं लोअर जोन मैं केप्स में नहीं लिख रही हूँ है ना केप्स के अलग ट्रेड्स होते हैं मैम जेड आएगा ना मिडल में जेड नहीं आएगा मैम जी वाई अब यहाँ पे शुरू हो जाएं आप लोग G Y P P Q J Q J Z इसमें ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसा लिखते नहीं है ना नहीं नहीं और अभी देखिए सारा हो गया A B C D E F G H आए किसी ने नहीं बोला आए कहाँ गया आया कैपिटल हो गया मैडम वो मिडिल में ही होगा ना आप देखिए जितने भी A E I O U जो हमारे वो होते हैं वॉवल्स वो सारे मिडिल में आते हैं मैम अपर में L था वो आपने निकाल दिया L मैंने निकाल दिया वो L वो वाला नहीं लेना है हमें L नहीं वो आए था छोटे में ले रहे हैं ना आई है मिडल में आई है आपका लिखा हुआ एल आया दो बार हो गया कैपिटल हो गया भाई एक मिनट स्मॉल आई नहीं आ रहा है और ये एल नहीं है सॉरी वो मैं खुद कंफ्यूज हो गई आई एम सो सॉरी फॉर दिस यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल एल ठीक है सॉरी एल आई थिंक सो सारे अल्फाबेट्स हमने कवर कर लिए राइट अब आप इनको ध्यान से देखिए मिडिल जोन सबसे पहले देखिए ओके जो मिडिल जोन के अल्फाबेट्स होते हैं उनके ऊपर जितने भी आते हैं जो भी लाइंस आती हैं मतलब जो स्टैंडिंग लाइंस आती हैं अपर जोन की होती हैं है ना और अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बहुत इंटरेस्टिंग कि अपर जोन जो होता है ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है अच्छा एक काम करते हैं रुकिए मैं ना आपका आपके लिए और इजी कर देती हूँ इसको आई थिंक ये इजी हो जाएगा अभी है ना समझने में यस मैम ओके अब देखिए अपर जोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इंटेलिजेंस ठीक है तो ये जितने भी अपर जोन के अल्फाबेट्स हैं वो सारा आपका इंटेलिजेंस आइडियाज और इमेजिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं इजी उसके बाद जो मिडिल जोन है
AOICEMNRUSUVWX ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज, आपके जो डेली कोर्स होते हैं, जो भी आप काम करते हो, ये सारे उसको एक्शन जो है, जो डेली एक्शंस हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उसके बाद जो लोअर जोन है, लोअर जोन आपके इसको रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूशन को, जो आपने एक्शन ले लिया है उसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मटेरियलिस्टिक डिजायर्स क्या हैं आपकी, आप लग्जरी में कितना रहना चाहते हैं, कितना फाइनेंसेस चाहते हैं, या आपके पास है सेविंग्स हैं. और यही जोन आपका स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब पैरों को. स्पोर्ट्स में क्या होता है, अच्छा स्पोर्ट्स में जनरली हम पैरों का ज्यादा एकदम से ध्यान आता है कि भाई स्पोर्ट्स है तो पैरों का ध्यान आता है, यही आपकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जोन है ये आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. ओके, फैक्ट्स इंटरेस्टिंग yes, ma'am. आपको yes, ma'am. चलिए और बताइए इस पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, बिकॉज अभी इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं. मैम ये जो एफ है हम लोग कभी ऊपर से नीचे भी लिखते हैं ना ऐसे जैसे, तो एफ शुरू में आएगा आपने, एक मिनट आई जस्ट राइट इट हियर इंट्रोडक्शन होता है. एक्चुअली ये मिडिल में नहीं आता है, ये अपर एंड लोअर जोन ही लिया जाता है इसको, तो मैं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वो इसमें आएगा नहीं ना तरीके से. मैम शुड आई आस्क समथिंग, इज इट ओके? हां हां प्लीज प्लीज. इसमें जो लोअर वाला पॉइंट है, इसमें जब भी हम जी वाई पी या जब भी लिखते हैं, जो नीचे वाला जो एक सर्कल बनता है, दैट गिव्स यू द होल हिंट अबाउट यू ना, बिकॉज द मोर इट विल गोज डाउन इट शोज योर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट इज अ स्मॉल साइज ऑल द मीडियम साइज एंड इट शोज दैट पता चल जाता है कि आपकी सोच कैसी है और आपका आगे के जो आप गोल्स हैं या आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी पॉकेट में क्या है. अच्छा ओके, तो सब पता चल जाता है उससे. नहीं दैट बुक इज टू मच हेल्पफुल फॉर मी, आई स्टडीड 2-3 टाइम्स सो आई हैव दैट नॉलेज पार्ट ऑफ इट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद एवरीवन दैट मे बी योर नॉलेज इज बेटर देन मी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए मेरी जो नॉलेज है ना वो बुक की तो है, जो थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो है, ज्यादातर मेरी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू है. नहीं दैट इज ग्रेट, मैंने लोगों को स्टडी किया है, उनकी राइटिंग्स को स्टडी किया है, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी किया है जी. और मोस्ट ऑफ इट देखिए सिर्फ ये नहीं होता है, आई मेक इट अ पॉइंट कि आप लोगों से जो भी कोर्स कर रहे हैं उनसे केस स्टडीज करवाई जाए. आंसर मैं नहीं देती हूँ, आप देंगे. Very right, ma'am. और इसमें एक चीज और थी मैम, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट बुक ऑन द लास्ट पेज इट इज रिटन दैट टू जज द टॉप मैनेजमेंट पीपल देयर इज नो राइटिंग रिक्वायर्ड, दे ओनली चेक द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन. सर वो सिग्नेचर पूरा एक चैप्टर है. ओके तो वो हम आगे वाले, सॉरी आई एम कमिंग बैक टू इट, बट दैट पार्ट इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग दैट सीईओज या एमडीज जब बनाया जाता है तो उनसे उनके सिग्नेचर लिए समझे जाते हैं उसके, ना कि उनको पूरा वो लिख के दिया जाता है कि आप ये लिख दो ना, जस्ट टू सिग्नेचर दे विल सी. वो उस लेवल पे है सर. okay. उनके सिग्नेचर काफी कुछ बता देते हैं. और जैसे, आप देखिए जिस तरह से आप ये राइटिंग का मैं एनालिसिस बता रही हूँ उसी तरह से हम सिग्नेचर एनालिसिस भी करते हैं. ओके okay. हर एक का सिग्नेचर अलग होता है, हर एक का जो थिंकिंग पैटर्न है वो उसके सिग्नेचर में आता है, उसकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो उसके सिग्नेचर में पता चल जाता है. ओके तो जैसे कुछ लोग नीचे लाइन से अपना सिग्नेचर वर्ड को काट देते हैं, कुछ उसके नीचे रखते हैं, कुछ आगे दो डॉट्स लगाते हैं, नीचे दो डॉट, जस्ट वैसे शेयर, आई एम जस्ट शेयरिंग. वो सारे ट्रेड्स कवर किए जाएंगे. ओके मेरा सवाल था कवर किए जाएंगे विद केस स्टडीज. विद केस स्टडीज जी. okay. और जितने okay. लोगों के आपको गूगल पे मिलेंगे सिग्नेचर्स, मैं उन्हीं का प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना नहीं पसंद करता है. हाँ वो भी एक चीज है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का स्टडी किया था मैम.
डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे थे, तो उनकी लाइफ भी सारी ऊपर नीचे राइट. दैट इज बेसिकली आई एम इनटू कि आप खुद सीखो और अपनी एनालिसिस करो. आप मुझे भी मत बताओ कि आपने क्या बनाया है या आपने क्या लिखा है. जी ठीक है जी. एटलीस्ट यू नो हाउ टू डू. थोड़ा सा क्वेश्चन था ये पूरा जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा बोले. Sorry, can't hear you. Is it better now? Yeah, this is better. Okay. तो मेरा मेरे को ये जाना था ये पूरा based है on English alphabets, right? Basically it's on English alphabets, but अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि different languages में कैसे पढ़ा जाता है. नहीं, मैं वही सोच रहा था अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो फिर ये अपर लोअर ये सब चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो फिर वो भी पता चल जाएगा. क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैं आपको बताती हूँ. ग्राफोलॉजी में या हैंडराइटिंग एनालिसिस में बेसिकली ट्रेड्स पढ़ाए जाएंगे आपको. तो वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, आप सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रेड्स को देखना है. ओके, अगर मैं जैसे अभी अपर मिडिल और लोअर ले लूं और अपर मिडिल और लोअर इन हिंदी, अगर मैं हिंदी की वर्णमाला लिखने जाते हैं तो उसके अंदर अपर मिडिल रोल सबका रोल नहीं रह जाता ना, बिकॉज वहां पे सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड आउट पैंड आउट होते हैं. ऊपर नीचे का कुछ होता नहीं, सिर्फ मात्राएं होंगी जो ऊपर जाएंगी. ऐसा नहीं होता है सर. इसमें उसमें जो होती है कुछ अलग ट्रेड्स देखे जाते हैं. वही मैंने आपको बोला ना, वो मैं आपको सब बताऊंगी कि कहां पर हुक्स हैं. देखिए हुक भी आते हैं इसके अंदर. ओके ठीक है. आपकी लाइन्स आती हैं. आप लोगों ने देखा है हमको जब इंग्लिश में टी और आई लिखवाया जाता, एफ लिखवाया जाता था, इफ यू रिमेम्बर. जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन फॉर सम टाइम. ओके देखिएगा अभी जरा सा. आई थिंक आप लोग सब व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? Yeah. Yes, ma'am. Okay. अब वो याद है? देखिए मैं लिख रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट राइटिंग इट. अच्छा नहीं आए तो भी प्लीज बेयर विद मी. लिखेगी ना. इस तरह से कुछ एफ लिखा जाता था? नहीं. जी इसके भी मायने होते हैं. कि आप ये क्यों लिखते थे? पहले हमको इंग्लिश में ऐसे ही लिखवाया जाता था एफ टी. ये एफ और टी ऐसे नहीं लिखा जाता है. दीज आर द हुक्स जो आपको पास से कनेक्ट करके छोड़ दिया गया है. ये हुक होते हैं. ये सब हुक्स हैं. ओके तो इंग्लिश अल्फाबेट भी जो हमको सिखाए गए हैं पहले, जो हम वो थ्री लाइन की कॉपी में बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, आज भी बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं. आई एम सॉरी टू से बट दे आर नॉट गुड. मैं किसी भी उसकी, हाँ जी, इस टाइप की जो राइटिंग होती है दैट इज नॉट गुड. आपको सिंपल लिखना है. आपका कोई भी लेटर होता है, देखिए दो लाइन होती है सिंपल. सॉरी, आपकी जो लाइंस होती हैं, ठीक है, बेसिकली एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई. कॉपीज ऐसी आती हैं आजकल, टू लाइन की आती हैं. ठीक है, हम इसी के अंदर लिखते हैं सारा. लेकिन अगर आपको किसी का भी ट्रेड समझना है तो उसको प्लेन पेपर पे लिखवाइए तो आपको पता चलेगा उसकी राइटिंग कैसी है. यहाँ हमको स्ट्रेट ही लिखवाया जाता है. आपने कभी देखा है जो हमारे वो होते थे स्कल्पचर्स होते थे जो हमारे हमारे रिलीजन में बेसिकली पहले के जो स्कल्पचर्स होते थे, क्या उसमें लाइनें होती थी? नहीं, उसमें डायरेक्ट आप लिखते थे जी. वो तार पात्र जो होता था जिसमें बहुत सारे आपके इवन जो आपके रामायण महाभारत या जो भी लिखी हुई है वो क्या लाइनों के साथ लिखी हुई है? नहीं,
मैं वो तो केले के पत्ते वगैरह पे लिखते थे ना वो लोग तो, या ताम पत्र वगैरह कुछ ऐसे वही बता रही हूँ। वहां पर आपके थॉट्स को प्रॉपर तरीके से पेपर पे जो भी जिस पे भी आप लिख रहे हो उस पे लेकर आया जाता था। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है, आपको ऐसा ही लिखना है, आपको प्रैक्टिस वही कराई जाती थी। हम लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा है, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, तो जो हमने पढ़ा है वो काफी हद तक हमको एक लाइन के ऊपर डालने के लिए किया गया है। उसको एनालिसिस करके अगर हम उन चीजों को थोड़ा सुधार लें, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप आय लिखते हैं, अभी भी जो आप लोग आय लिखते हो वो सिंपल अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं, मैंने जैसे बताया कि आपकी मदर और फादर को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर का लाइन थोड़ा नीचे हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो आय है आप ऐसे लिखना, आय इज मच बेटर। आय बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, आई नीड टू टेक अ डिफरेंट पेन। आपने देखा ऐसे लिखते हैं, कर्सिव में ऐसे लिखा जाता है, हेलो लिखा जाता है ना जी। हाँ जी, और आय लिखना चाहिए इस तरह से। और इसका जो ये वाला पार्ट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इन जनरल जो हमारी राइटिंग्स होती हैं उसमें हमारे बहुत चीजें हमारी गलत जो बताई गई है, या ये कहें कि हमने सीख ली है बाय डिफॉल्ट सब चीजों को देखते हुए, उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में, लेकिन हम अभी भी इन चीजों को थोड़ा सा भी ठीक करने के मूड में नहीं है। ये लाइन हमारी वाला आई तो मैक्सिमम लोग लिखते हैं, कर्सिव वाला आई, ये वाला ना। हाँ जी, क्योंकि इनमें सिखाया गया है, राइट? हाँ, है ना। हम अगर आप एक जनरल आय बोलोगे तो आय में आपको देखिए अभी बताती हूँ आपको ऐसा क्यों लिखना चाहिए। जैसे आप लोगों को बताया भी था, ये जो आय का ये वर्टिकल ये है स्टेम है, That is you. ये आपकी रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप खुद। ये ऊपर का आपकी मदर को, नीचे का आपके फादर को। अब ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब सारे टेढ़े लोग हैं। हाँ जी, मतलब ऐसे बनाएंगे तो it shows that सारे टेढ़े लोग हैं। टेढ़े लोग नहीं, मैंने कब बोला टेढ़े? मतलब कर्सिव का मतलब क्या हुआ? कर्सिव का तो ऊपर स्ट्रेट नीचे स्ट्रेट हुआ ही नहीं, नीचे। हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ, ये है आप पास्ट में हुक करते हैं ऐसे इनके। अगर मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी तो आप बोलोगे आप अभी के अभी ही इसको लिखना छोड़ दोगे। बोलिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड दीजिए मुझे, क्योंकि देखिए मैं नहीं, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं भी ऐसे ही लिखती थी। मैंने कहा ना, देखिए हम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम भी आप में से ही निकले हुए हैं, ये चीजें समझी है पढ़ी है, उसके बाद समझ में आया कि भाई ये सब क्यों करना है। देखिए ये वाला जो है, इट इज नॉट अ रॉन्ग आय टू बी, मतलब टॉकिंग फ्रैंकली, ओके। ये जो आय है इसको हम कहते हैं ये मदर को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना ये ऊपर का मदर को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन, उसी तरह से ये भी आपके मदर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें दो ट्रेट्स आएंगे, पहला आपकी मदर बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा आप मदर से इन्फ्लुएंस्ड है। मैम आप नॉर्मल आय की बात करें या कर्सिव आय की? थोड़ा सा अबाउट एक मिनट रुको, उसे सर्कल कर देंगे मैम एक बार, जो पहले जो जिसका आप बता रहे हैं अभी। जी जी जी, मुझे थोड़ा सा सर्कल कहीं ढूंढने दीजिए व्हाइट बोर्ड पे। नहीं आप लाइन से उसे सर्कल कर दीजिए, छुड़ा है सर, एक मिनट सबर कीजिए। सॉरी अब आ गया। हाँ हाँ, किसने किया ये? Who did this? मैंने किया मैम। हाँ ओके, चलिए कोई बात। ओके, तो ये जो लूप होता है लेफ्ट साइड में ये वाला, ये आपके मदर को की इंटेलिजेंसी शो करता है, जितना बड़ा लूप उतनी आपकी मदर इंटेलिजेंट कंपैरेटिवली। और जो ये लोअर होता है ये आपका पास्ट होता है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मदर से अटैच हैं, वो सब सही बात है, लेकिन आप अपने पास्ट में ही जी रहे हैं,
यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट. और यहाँ आप हो. अब अगर मैं पेज ओरिएंटेशन की बात करती हूँ तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरफ पास्ट होता है, इस तरफ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फ्यूचर होता है. अब आप खुद देखिए, अगर आप आए अगर इस तरह से बना रहे हो तो आप टोटली पास्ट में जी रहे हो. प्रेजेंट तो ये हो गई, ये जो लाइन है बीच की. आपका फ्यूचर में क्या है? Have you ever thought of it? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आता है. जब भी आप इस तरह का आय लिखते हो, आप लोग देखोगे सब लोग पास्ट की ज्यादा बातें करोगे, अपने मदर से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. और जब आपने इस टाइप का आय बनाना शुरू कर दिया, कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर, अगर सही है, सही है. इस तरह का अगर आय बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? आप पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी हो. सिंपल लॉजिकल है. हम तीनों में कैसे है? ये स्टेम के पहले. हाँ, ये पास्ट हो गया. ये एक मिनट, स्ट्रेट लाइन. ये इसका, ये देखिए, ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है ना? ये जो स्टेम है, ये है आपका प्रेजेंट. हाँ, ये जो पार्ट आता है ना, ये स्टेम के बाद वाला, ये जिसमें कुछ, हाँ, ऊपर 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 का, ऊपर नीचे कुछ भी आप ले लो. हाँ, ये वाला जो है, ये ठीक है. हाँ, ये आपका हो गया फ्यूचर. ओके, गॉट इट. मैम एक बार दोबारा बताएंगे? सॉरी, आई स्किप्ड इट. जस्ट आय से पहले जो लेफ्ट साइड है वो आपका पास्ट है. आय का जो स्टेम है वो आप खुद हो, और आय के बाद जो राइट साइड का एक्सटेंशन है हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो फ्यूचर है, वो आपका फ्यूचर है. अब अगर मैं इसको, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आई हैव ड्रॉन इट, एक मिनट. हाँ, तो उसमें फ्यूचर तो है ही नहीं. नहीं है ना? ना, पास्ट और प्रेजेंट है. बिल्कुल. तो अब आप खुद सोचिए, आप में भी पास्ट और प्रेजेंट है, फ्यूचर दोनों में ही नहीं. नाउ आई टेल यू, यहाँ पर सोच की बात थी. मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कुछ आपको कुछ ऐसा बताना नहीं चाह रही हूँ. आई एम नॉट बायस्ड इन एनीथिंग. लेकिन जब ये मैंने एनालिसिस करे, इन चीजों को जब समझा, तब मुझे भी समझ में आया कि भाई हम लोगों को यही क्यों सिखाया गया, हमें फ्यूचरिस्टिक गोल्स क्यों नहीं सिखाए गए. बताएं आप लोग. आप टी और एफ देखिए, वो भी इसी तरफ है. मैं, वो तो पर्पसफुली एजुकेशन को चेंज किया गया था ना इंडिया के अंदर. राइट, वो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जो हमारी बैंड बचा के गए हैं ना, वो इसी लिए करके गए. वो यही सब है कहानी. तो नाउ देखिए, जब हमें पता चल गया है तो ऑब्वियसली वी कैन चेंज इट. नॉट अ बिग डील. From today only. मैम फिर Z के बारे में क्या बोलेंगे? वो भी सेम I के जैसे ही आता है क्या? I didn't, एक मिनट, क्या बोले आप? वापस बोलेंगे प्लीज. मैम Z के बारे में क्या बोलोगे? Z के बारे में वो भी horizontal, फिर cross, लेकिन फिर vertical. पीछे भी जाता है. वो पीछे भी तो जाता है, आगे है तो पीछे भी है, तो वो पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस कर रहा है. सॉरी, पास्ट एंड फ्यूचर को बैलेंस कर रहा है ना वो. हाँ, राइट. तो हर एक अल्फाबेट का एक अलग मतलब है. हर एक अल्फाबेट लिटरली जब आप लिखते हो. मैम एस के बारे में आप बताए. एस है, ऊपर से आ रहा है, पास्ट में जा रहा है, फिर फ्यूचर में जा रहा है, और फिर पास्ट में वो छोड़ रहा है. लेकिन एस जो है वो सिर्फ कैपिटल हम नहीं देखेंगे. कुछ अल्फाबेट्स को हम कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं,
बाकी सबको हम जो स्मॉल में लिखते हैं ना उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं. स्मॉल में हम उसमें ऊपर लूप बनाते हैं. दैट इज काफी टाइप का एस होता है. मैम बट कर्सिव का एस अगर देखे तो वो अलग होता है. वही सही होता है कर्सिव राइटिंग में का एस. कर्सिव का जो एस है दैट इज परफेक्ट. ओके मैम ग्रेफोलॉजी जगह पे का स्टडी होता है क्या? क्या सिग्नेचर एनालिसिस ग्रेफोलॉजी में क्या होता है एक्चुअली? दैट्स ग्रेट. अभी मैं आपको बताती हूँ. ग्राफोलॉजी का बेसिकली मतलब ये होता है जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो उसको एनालाइज करके आप अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर सकते हो. जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैरों में तकलीफ है सपोज, ठीक है, चलिए आप लोग सब एक काम करें, आप लोग सब लोअर जोन का के दो तीन सिर्फ अल्फाबेट्स लिखिए. आप लोग सब लिखिए, मैं उसके ट्रेट्स बताती हूँ. चलिए आप खुद एनालाइज करेंगे. देखिए मैंने अभी भी आपको यही कहा है, आई प्रिफर कि आप लोग खुद एनालाइज करें. लिख लिया सबने? लोअर जोन के अल्फाबेट्स लिखिएगा प्लीज. Should we share over here only, ma'am? नहीं, शेयर करने की जरूरत नहीं है. मैंने कहा ना, आई प्रिफर कि आप खुद एनालाइज कीजिए. लिख लिया, आपकी लाइफ है, आपको एनालाइज करना है. नहीं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. नहीं, यहाँ ना करें, सब लोग करेंगे तो पूरा स्क्रीन भर जाएगा. ओके, श्योर श्योर. ओके, गॉट इट. ठीक है, आप अपना अपना अपने पेपर पे उस पर करिए, फिर देखिए मैं बताती हूँ आपको कुछ. आई होप सो कर लिया होगा सबने. Just hold on. Yes, ma'am. Okay. कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया वाई, ओके, ऐसे छोड़ दिया. कुछ का ये जो स्टेम होता है ये थोड़ा सा ऐसा होता है, इस तरह से. आपने ये सारे वायर्स देखे हैं? यस जी. अब मैं आपको इसमें सिर्फ एक या दो का ट्रेड बताऊंगी, बाकी की सारी डिटेलिंग कोर्स में आएगी. ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये जो फर्स्ट वाला वायर है, मैं यहाँ पे नंबरिंग भी डाल देती हूँ, आप लोगों को इजी होगा समझने में. ये वन, सॉरी हाँ, नंबर ऐसे ही आएगा. चलो, तो जो नंबर वन वाले होते हैं, जो इस तरह से वाई लिखते हैं, आप में से भी बहुत होंगे जो लिखते होंगे ऐसे Y, G, J, जो भी लोअर जोन के अल्फाबेट्स हैं, राइट? तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास अगर पैसा आता भी है तो उसी स्पीड से निकल जाता है. सेविंग्स ऐसे लोगों की बहुत कम होती है. Have you analyzed? चार नंबर वाले. आप लोग एनालाइज कर रहे हैं? जी मैम. जो सेकंड नंबर के होते हैं वो पास्ट में ही रहते हैं. हर चीज पास्ट से, मतलब कुछ भी रेफरेंस होगा ना तो वो लोग पास्ट का रेफरेंस देंगे, लेकिन वो चीज को वही करेंगे, उस काम को पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ रेफरेंस देके छोड़ देंगे. ये वाले जो होते हैं ये पास्ट का रेफरेंस लेते हैं, लेकर आते हैं प्रेजेंट में और छोड़ देते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं करते. सेकंड वाले मैम? सेकंड वाले पास्ट का सिर्फ रेफरेंस देंगे, उसको प्रेजेंट तक नहीं लाएंगे. वही हाँ, हमने
जैसे आपने सुना होगा ना, पहले बोलते थे कि हमारे जमाने में, दिस इज द सेम थिंग. अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनका ये नीचे का जो स्टेम होता है ये थोड़ा सा हिलावा होता है या कुछ होता है, यू नो, थोड़ा सा zigzag में है, इनके इनको पैरों में तकलीफ रहती है. Mean sixth one. Yeah, the sixth one. In general, देखिए हर एक का ट्रेट अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो सेम चीज पता करने के लिए. पैरों में तकलीफ के और भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं, ये उनमें से एक है. ओके, जी. और फिफ्थ वन वाला मैम? हाँ जी, फिफ्थ वन लास्ट, सिक्स्थ वन, फाइव इज कि आप पास से सीखा है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, सब कुछ है आप, लेकिन उसको सिर्फ प्रेजेंट में लाके छोड़ देते हो. आपने सीख के सिर्फ, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उससे सीखा है, मतलब एक्सपीरियंस है, इट्स ओके, बट प्रॉपर सीख के उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं किया. आप उसको अपने, मतलब एक्सपीरियंस में नहीं ले रहे हो फ्यूचर गोल्स को अटेंड करने के. और ये अगर फाइव की जो लाइन है कर्सिव होके नीचे से गोला बन के ऊपर आती, वो आगे चली जाए, देन इट वुड मीन के फ्यूचर में लेते हैं. हाँ जी. बट संदीप जी, मैं ना आपको बहुत कुछ यहाँ नहीं बता पाऊंगी, तो प्लीज ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर ना करें तो अच्छा होगा. नहीं, इट्स ओके मैम, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. आई डेफिनेटली लाइक टू जॉइन दिस थिंग बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न मोर. बिकॉज़ ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, मतलब इट्स लाइक 1-2% तक ही मैं इस वक्त इस क्लास में बता सकती हूँ, उससे ज्यादा तो पॉसिबल भी नहीं है. आई डू अंडरस्टैंड मैम, है ना. Now, what are the timings and all for this? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ इसका. अकेडमी से एक मिनट जरा, आप लोग अभी कौन है वहां पर? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू शेयर द पीपीटी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. एक सेकंड दीजिए मुझे. इसी तरह से हम ड्राइंग एनालिसिस भी करते हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ. अगर आप लोगों के पास टाइम है, एंड या वी हैव फ्यू मिनट्स मोर, 5 मिनट्स में आपके और लूंगी. अगर आप लोगों के पास पेन और पेपर है तो कोई एक सीनरी बनाइए जिसमें सन हो, माउंटेन हो, आप रिवर, लैंड, घर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, यू नो, जैसे सीनरीज हम बनाते हैं ओल्ड स्टाइल. हाँ जी, ओल्ड स्टाइल लाइक स्कूल. हाँ, जैसे बच्चे बनाते हैं जनरली, एक सीनरी बनाते हैं, सन बनाया, जो भी बनाना है, बर्ड, क्लाउड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, सब भी. बट जल्दी बनाइएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, मुश्किल से 5 or 6 कैरेक्टर्स, नथिंग एल्स. I hope everyone has made. देखिए आप लोग ना प्लीज अपना स्क्रीन ओपन कीजिए, बिकॉज आई एम रियली, यू नो, मुझे अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ जी, आप बना के रखिए, अभी सब लोग है, देखिए.
I really want to see everyone. Come on, भगवान ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे बनाए हैं और सब आप लोग छुपे बैठे हो, मजा नहीं आ रहा है. दिखाओ मैम. नहीं नहीं रखो अभी अपने पास, आप खुद एनालाइज कीजिए. देखिए मजा तभी है जब हम खुद पढ़ना सीख जाएं इस चीज को, राइट? और फिर अपना पढ़ने के बाद फिर हम बाकी सबका पढ़ेंगे घर में, है ना? सबसे करवाइएगा. Come on, I'm waiting. आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए. वाओ, चलिए नेवर माइंड. ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने सन, माउंटेन, रिवर, ये जो कॉमन चीजें ये तो बनाई होंगी, राइट? बर्ड्स, क्लाउड्स, और क्या क्या बनाया है? Tree. Okay. Boat. Right. People. Okay. Basically, ये सारे trees बनाए हैं आप लोगों ने? Sun, mountain, tree, river, house, human being. In general, ये हैं. Okay. हाँ. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जो पहला है. हम आज सिर्फ थोड़ा सा मैं सन के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है. अब आप लोग सब अपनी अपनी ड्राइंग को एनालाइज कीजिएगा प्लीज, ठीक है? जैसे जैसे बताऊंगी आप उसको एनालाइज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये सही बैठता है या नहीं. सबने सन बनाया है, वो आपके फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है या आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? उसकी पोजीशनिंग क्या है? जिसने भी लेफ्ट साइड में बनाया है सीनरी के, इसका मतलब है या तो उनके फादर थे या वो उनसे पास में काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं. टोटल 3 मिनट हो रहे बस. जी बताएं. हाँ ट्रू है मैम, पापा थे अभी नहीं है. आपने किस तरफ बनाया है? लेफ्ट. दिस इज द टेस्टिमोनी एक्चुअली. आप बाकी बताएं कहाँ कहाँ बनाया है. मिडिल में बनाया है, इट मींस योर फादर इज देयर. भले वो अभी है या नहीं है लेकिन आपके ऊपर उनका बहुत इम्प्रेशन है और वो आपको इंस्पायर भी करते हैं. ओके अगर राइट साइड में है तो इट मींस फादर या फादर फिगर इज देयर. ओके, और उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी रहने वाला है. यू लुक अप टू हिम. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? जी. सी देखिए आप इससे ये भी पता कर कैसे आपका थॉट प्रोसेस चलता है. मुझे तो नहीं पता ना, मुझे सिर्फ ट्रेड्स पता है और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर आपने कुछ चीजों के ट्रेड समझ लिए या उनको एनालाइज कर लिया तो आप किसी भी चीज को एनालाइज कर पाएंगे. ग्रेट. जी मैम. जस्ट अगेन I really want to share the screen if it's possible. So just give me one more minute. नहीं आ रहा है. Okay. I think I'll be able to show you. आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन अभी? Yes, ma'am. Yeah. Okay, thank you. So this was all about, एक छोटी सी झलक दिखाई है मैंने आप लोगों को अभी कि ग्राफोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं. आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं. देखिए अभी से अगर उनकी कुछ चीजें ठीक कर दी जाए तो उन्हें
फ्यूचर में काफी काफी हद तक आप उनकी प्रॉब्लम्स यहीं पर इसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो जिसपे हमने इग्नोर किया है अपने टाइम पर, बट हम आगे बच्चों का फ्यूचर सुधार सकते हैं। इवन हम अपने बारे में भी, जो बिजनेस वाले हैं, जो जॉब वाले हैं, है ना, अगर आप एचआर में हैं तो आपको इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं। इंटरव्यूज आप लेते हैं तो आजकल तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो कुछ लिखवाते हैं, आपका बायोडाटा आपसे लिखवाते हैं। प्रिंटेड नहीं चलता है, हैंडराइटिंग का चलता है, सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं? बिकॉज दे डू ग्राफो एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस किया जाता है उसका, और उसके हिसाब से उसको समझा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो आया है आपके पास, ये इस जॉब के लिए फिट है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो आराम से कुर्सी पर बैठकर काम करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें मूवमेंट्स पसंद है ना, कुछ होते हैं जो बातों के धनी होते हैं, बातों बातों में कर देते हैं काम, सेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे आपके राइटिंग में ट्रेड्स होते हैं। तो आजकल जो नोटिस किया है मैंने वो ये किया है कि मैक्सिमम एचआरस ग्राफोथेरेपी ग्राफोलॉजी सीख रहे हैं सिर्फ रिक्रूटमेंट्स की वजह से। फॉरेंसिक लैब्स में ये बहुत यूजफुल है, ओके। लोगों का झूठ पकड़ना, मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात बताई थी, उनको एक स्कूल में बुलाया गया था ये एनालाइज करने के लिए कि जो टॉयलेट में लिखा हुआ है वो किसने लिखा, ओके, उसको एनालाइज करने के लिए उन्हें बुलाया गया। आप सोचिए कि जिस बच्चे ने लिखा है वो किसकी राइटिंग है, क्या है, एक अंदाजा था उनको वहां पर कि किसने लिखा होगा। उन सबसे लिखवाया गया और उन्होंने उसका ट्रेड पकड़ लिया सिर्फ ट्रेड से कि इसने लिखा है, और उसने कबूल भी लिया कि हाँ ये मैंने लिखा। तो ग्राफोलॉजी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत कुछ, इट्स अ टाइप ऑफ मैजिकल थिंग जो हमने सच में अभी तक, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया है, राइट। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि हमें इसमें भी कुछ करना है, या हम कुछ और कर सकते हैं, या हम अपने आप को इन ट्रेड से लेकर कुछ चीजें हमारी सुधर सकती हैं लाइफ में। पैसा बच सकता है, आपको पता है, सेविंग्स आप अपने इंक्रीज कर सकते हो अपने ग्राफोलॉजी के कुछ लेटर्स को ठीक करके। आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हो, कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी हैबिट छूट गई ना लिखने की, everybody is typing now actually, फिर से लानी है, वापस लेकर आनी है। हम आजकल बच्चों को पेन पेंसिल पकड़ा देते हैं, राइट, दैट इज प्लास्टिक। Always use wooden pencils. Always. उसका जो connection है, उसका जो pressure आता है, वो सीधा आपके mind पे effect करता है। तो हमने जो ये कुछ पिछले कई सालों में जो चीजें गलत करी हैं, उनको सुधारने का मौका है, सही मौका है। आप सीखिए, ये बहुत बहुत ही interesting है, magical learning science की बहुत beautiful knowledge है। मैम, इज इट गुड टू यूज फाउंटेन पेन्स, निब वाले जो होते हैं? देखिए, वो तब होता है जब आप गलतियां ना कर रहे हो, क्योंकि आपका जो राइटिंग का प्रेशर होता है ना उसके, हाँ मैंने देखा था सर आपको इंक भरते हो आपको इंक भरते देख लिया था मैंने ठीक है, आप ब्लैक कलर यूज करते हैं या व्हाइट ब्लू कलर यूज करते हैं लिखने में, वो भी आपका बहुत मतलब उसके ऊपर भी काफी चीजें आती है। Because okay. I try to change my writing after reading those books, so I started using fountain pen just to improve my handwriting. My handwriting is too bad. Okay. Not too good. So, लोग यही बोलते हैं कि भाई डॉक्टर के बाद तुम ही रह गए हो यहाँ पे, जो ऐसा लिखते हो जो केमिस्ट को ही समझ आएगा और किसी को नहीं आने वाला, या आप समझोगे या फिर खुदा समझेगा। आप मुझे, चलिए अब आपसे ही बात करती हूँ मैं। जी। आपने बोला कि केमिस्ट को समझ आएगा, है ना, हमको नहीं आ रहा है। आप उस टाइम पर अपना माइंडसेट बताइएगा मुझे, सच सच बताइएगा कि उस टाइम पर आप बहुत कंफ्यूज रहते थे। मैम कई चीजों में था, ऑब्वियसली राइट,
that I need to improve myself. वो मेरे को भी खुद भी लग रहा है. Only this part. See, I'm just analyzing the way you used to write. हाँ पहले था राइट आई वॉज लिटिल कंफ्यूज अबाउट एट दैट टाइम क्योंकि वो आपकी राइटिंग में दिख रहा था. हाँ बिल्कुल राइट है बिल्कुल अग्रीड. As simple as that. आपके जितनी क्लियर राइटिंग होगी आपके थॉट्स उतने क्लियर होंगे. इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आल्सो जी जी हाँ जी जी संदीप जी जो सिग्नेचर्स होते हैं ना आप जितने क्लियर होंगे ना सिग्नेचर्स में उतना आपका व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं ना हम वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. ओके और ये एक मिथ है कि भैया हम बहुत अजीब अजीब से सिग्नेचर करेंगे तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा. आई टेल यू द फैक्ट जो जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करता है उसके सिग्नेचर कॉपी करने उतने इजी होते हैं. ओके क्योंकि सामने वाले को भी वो होता है कि वो उल्टे सीधे हैं तो करे ही होंगे यार ठीक किसी ने. बिल्कुल जिसने सिंपल किए होंगे उसका बिल्कुल टच अलग ही दिखेगा उसके अंदर. उसका टच नहीं उसको आप कॉपी नहीं कर सकते. हाँ कॉपी नहीं कर सकते सॉरी रॉन्ग वर्ड आई यूज्ड. इट्स ओके ओके वो डिफिकल्ट होता. तो वहां पर भी आपकी देखिए कितनी पर्सनैलिटीज और जो आपने बोला था ना कि जो हायर अप्स होते हैं उनके सिर्फ सिग्नेचर से उनको हायर किया जाता है. जी जी राइट. अभी आप खुद समझ लीजिए कि क्यों सिग्नेचर्स भी इम्पोर्टेंट है. ओके सो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें. मैंने कंटेंट्स आपके सामने शेयर कर दिए हैं. तो सबसे पहले हाँ जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं. बिल्कुल पूछिए बिल्कुल पूछिए. जब मैं मेरा लड़का है ना 7 साल का है उसको कभी भी ड्रॉइंग सीनरी बनाने के लिए बोलते हैं ना तो वो माउंटेन नीचे बनाता है ऐसे. देखो मैंने बोर्ड पे अभी उसको बनवाया है बोर्ड पे तो वो नीचे पहले माउंटेन बनाता है कि बोलता है माउंटेन तो नीचे ही होता है ना और हम लोग कैसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं. अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए वो अपने फादर फिगर को कैसे देखता है. देखिए इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन आई नो बट उसके लिए उसके फादर कहाँ स्टैंड करते हैं. मैम अभी तो वो छोटा है 7 साल का है तो नो पापा का तो उनको रहता ही है. नहीं मैम अटैचमेंट है पापा के साथ भी अटैचमेंट है. हाँ लेकिन वो आपसे ज्यादा अटैच्ड है इस ड्रॉइंग को देख के मैं बता सकती हूँ. अच्छा आपने तो अभी बोला ना तो मैंने उसको बोला ड्राइंग बना तो उसने ऐसा बनाया मतलब उसको कभी भी बोलेंगे ना तो माउंटेन वो नीचे ही बनाता है. आप उसको कभी दिखा दीजिए होराइजन के ऊपर माउंटेन कैसा होता है. वो बोलता है कि माउंटेन तो नीचे ही होता है ना ऊपर तो होता ही नहीं वो माउंटेन कैसे हवा में जाएगा ऐसा बोलता है. मैडम जी आपने उसको कभी एक्चुअल माउंटेन नहीं दिखाया होगा. सीनरी दिखाइए उसको. हाँ एक बार सीनरी दिखाइए और उसको समझाइए कि ऐसा क्यों दिखता है 3D में क्यों दिखता है ऐसा 2D में क्यों दिखता है ना. चपटी है उसको तो चपटा दिख रहा है. आप देखिए उसका उसका जो प्रस्पेक्टिव है देखने का चीजों को वो ऐसा है अभी है ना और हम उसको बोल रहे हैं तुम ऐसा बनाओ तो उसको ये डिफरेंस तो समझाइए पहले. राइट वो सब चीजें ऐसे ही देख रहा है ना. हाँ उसके लिए यहाँ नीचे से देखेगा तो तभी घर की छत ऊपर है या टेम्पल की छत ऊपर है. टेम्पल उसको पीछे दिख रहे हैं दूर दिख रहे हैं उसको वो हॉराइजन वाला कंसेप्ट ही नहीं है उसके अंदर अभी. वो आपको डालना पड़ेगा. राइट मैम है ना. तो यहाँ होता है. अब अगर आप उसको ऐसे लिटा के और फिर बोलोगे ना बनाने को तो आपको लगेगा अरे ये तो सही बना रहे हैं खड़ा करके. वही है प्रस्पेक्टिव की बात है यहाँ पर. ठीक है ओके मैम थैंक यू. तो देखिए हम यहाँ पर जो कोर्स में करने वाले हैं वो लेवल 1 में आएगा कनेक्शंस कि किस तरह से कोई भी दो अल्फाबेट को जब हम जोड़ के लिखते हैं तो किस तरह के कनेक्शंस बनते हैं और किस तरह से लिखा जाता है कि अगर आप ए या बी के साथ ओ लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल या बी के साथ ए लिख रहे हो या ए के साथ बी लिख रहे हो तो आप कहाँ से उसको कनेक्ट कर रहे हो ऊपर से नीचे से मिडिल से वो सारा इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रॉपर तरीका क्या है और अगर आप जिस तरह से लिख रहे हो उसका क्या मतलब है. ठीक है अल्फाबेट्स के बारे में आपको काफी नॉलेज दिया जाएगा ए टू जेड. जो अल्फाबेट्स हमने अपर जोन मिडिल जोन और लोअर जोन अभी देखा था उनके अल्फाबेट्स के मतलब किस तरह से लिखना है क्या तरीका है वो बताया जाएगा. वर्ड्स का मतलब क्या होता है किस तरह से लिखना है
सेंटेंसेस उसके बारे में बताया जाएगा, उनसे रिलेटेड आपके जितने भी थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें चेंज किया जाता है वो बताया जाएगा। इसमें रिलेशंस आपकी, आप चाहे इसको रिलेशनशिप्स भी बोल सकते हैं या रिलेशंस होते हैं, किस तरह से थिंकिंग पैटर्न और अल्फाबेट्स को रिलेट किया जाता है। आपके फियर्स क्या है वो भी आपके अल्फाबेट्स दिखा देते हैं। आप किन चीजों के लिए डिफेंसिव मोड में है, क्या चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी इसमें आपको बताया जाएगा कि अल्फाबेट आपका कैसे और कौन सा अल्फाबेट बताता है ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका एनालिसिस एनालाइज चैलेंज होगा, जिसमें आप लोग खुद एनालाइज करेंगे इतने ट्रेड्स। देखिए बीच बीच में हमें देना पड़ता है, लेवल वन का जो भी होगा स्ट्रेंथ थोड़ा सेकेंड उसमें लेते हैं। तो जो एनालाइज चैलेंज है वो ये है कि आपका जो टोटल जितना आपने सीखा है उसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, कौन से अल्फाबेट आपकी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो जो आपके अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उन्हें सुधार लें, ओके। आपके रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसेस को, करियर को, आप सोशली कितने कनेक्टेड हैं या कितने डिसकनेक्टेड हैं, वो सब भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अल्फाबेटिक एनालिसिस आएगा हर एक अल्फाबेट का, आपको किस तरह से उसको डेली प्रैक्टिस करना है, कब तक करना है, रीडिंग जो है सैंपल्स को वो किस तरह से रीड करने हैं सैंपल्स, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए, और ये हेल्थ एक्चुअली यहाँ आना चाहिए वो शायद नीचे लिखा गया है, और किस तरह से हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है, ओके। सो जो कोर्स डिटेल है वो ये है कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को ये क्लासेस होंगी, 4 बजे से होंगी, 2 महीने का कोर्स है, जूम पर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हमेशा 1.5 आवर हम स्टडी कोर्स का आपको डिलीवर करते हैं, और लास्ट के जो 1/2 आवर होता है वो जनरली हम आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, ताकि आपको कुछ भी कोर्स में कुछ भी प्रॉब्लम आया है, कुछ भी पूछना है या एनालिसिस करना है, एनीथिंग, अगर आपने किसी और का एनालिसिस किया है एंड इफ यू हैव सम डाउट्स और समथिंग, तो आप वहां पर उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं जो आपको गूगल पे मिलेंगी उसके ऊपर है, या फिर आप अगर किसी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो आप दें ग्रुप में, तो सब मिलकर उसको एनालाइज करेंगे, तो दैट वुड बी अ केस स्टडी फॉर एवरीवन, ओके। और अफोर्डेबल कोर्स है, रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको क्लास की, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया था उस तरह से आपको डिटेलिंग मिलेगी, और आप लोगों के लिए सबके लिए फ्री गिफ्ट भी है, जो ये कोर्स ज्वाइन करेगा उनको मॉर्निंग में 5 to 6 फ्री मेडिटेशन है, यू कैन अटेंड इट। नाउ पेमेंट डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं अकेडमी के, 2 महीने की जो फीस है वो है 3158, दैट इज 1579 पर मंथ, ओके। अगर दोनों आप पे कर देते हैं एक साथ, 3158 अगर सॉरी 2 महीने की आप एक साथ पे कर देते हैं तो आपको 15% ऑफ है, दैट इज 474 लेस हो जाएगा, सो यू जस्ट हैव टू पे 2684, ओके। ये एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो अकेडमी में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं और वो इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपके लिए फीस है 2107 पर मंथ, 2 महीने का 4214 होगा, ओके। और अगर आपने दोनों महीने का एक साथ पे किया, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक ऑफर है, तो यू जस्ट हैव टू पे 3158 फॉर 2 मंथ्स अगर आप दोनों महीने का पे कर रहे हैं। बैंक डिटेल्स आपके सामने है, यू कैन कॉन्टेक्ट पूनम मैडम ऑन 9013330009, या फिर आप रिदम को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है 9873521312, उनके बैंक डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, और आपका जो भी पेमेंट आप करते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट पे ये जो दो नंबर्स हैं 7982552301 पर आप शेयर करें, और
9999119519 पर आप शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको और भी कुछ क्लैरिटीज चाहिए, वैसे तो यहाँ मैंने सब कुछ बता दिया है, इन केस कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, सो दैट आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज राइट नाउ. मैम एनी अदर टाइमिंग? दिस इज द ऑफिस टाइमिंग एक्चुअली. सर एक्चुअली यही टाइमिंग हमने रखा हुआ है बिकॉज क्या होता है रात को हमारे बाकी शेड्यूल्स काफी सारे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है और लेट नाइट और दिक्कत हो जाता है बिकॉज मॉर्निंग मेडिटेशंस भी होती है. है ना, तो सबको देखते हुए लास्ट क्लास पर्सनैलिटी में काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे जी. तो इसके फिर हमने जो एडवांस का लिया है तो ये हमने थोड़ा 4-5 रखा है, 4-6 रखा है. 4-6 जो पर्सनालिटी वाला मैम उसका टाइमिंग वही 9-10:30 लेट नाइट वाला ही है ना सर? वो अभी हो गया, वो एक्चुअली दैट वाज अ बेसिक ग्राफोलॉजी. अच्छा ओके, दैट वाज अ बेसिक कोर्स. ओके 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 जी जी. तो ये जो है इसमें वो बेसिक के भी कुछ ट्रेड्स रहेंगे और बाकी फिर एडवांस में, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है ये दिन पे दिन इसमें कुछ ना कुछ नया नया होता रहता है जी. तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं आगे चलते रहेंगी, इसलिए हमने 2 months का लिया है एडवांस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं. इसमें हम आपको थोड़ा ड्राइंग एनालिसिस भी बताएंगे, सिग्नेचर्स के बारे में भी थोड़ा बताएंगे. ओके, तो इसमें सब आएगा. गॉट इट. अब आप लोग जिनके विंडोज बंद हैं, अगर आप लोग खोल के थोड़ा बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज डू इट. ओके, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल. इसलिए या तो किसी के क्वेश्चंस नहीं है या फिर बाउंसर गया है सबको, इसलिए किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है. नहीं मैम, बाउंसर नहीं गया. हाँ जी, बाउंसर नहीं गया मैम, समझ में आ गया. थैंक यू फॉर दिस. आई होप तो सबको समझ आया है अच्छे से. एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क? और डेट क्या बता रहा है? डेट एक मिनट, डेट डिस्प्लेड है, पेमेंट डिटेल्स इसमें नहीं है. नहीं मैम, डेट नहीं आए हैं. डेट नहीं आया है, ओके. मैं भी एक मिनट कंफर्म करके बता देती हूँ आपको डेट्स. पेमेंट डिटेल्स आई हुई है ऊपर, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें, सो दैट यू गेट द डिटेल्स ऑन इट. यस मैम. आप जीपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं. थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करेंगे प्लीज, नीचे जो है वो लाइंस दिख नहीं रही हैं. एक्चुअली एकेडमी से फ्लैश हो रहा है ये, सो आई एम नॉट एबल टू. जस्ट लेट मी टेल देम प्लीज. थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए, दिख नहीं रहा नीचे क्या लिखा हुआ है. हाँ जी प्लीज, थोड़ा ऊपर करें स्क्रीन या स्मॉल कर दो. आर यू एबल टू डू? थैंक यू चंदा जी. नहीं, जो बैंक डिटेल्स है वो नीचे का नहीं दिख रहा. ब्रांच जो है ना, ब्रांच लिखा हुआ है शायद, डेली कैंट उसके नीचे भी अगर आपने कुछ लिखा है तो वो नहीं. बस ये लास्ट है. ओके फाइन. अच्छा, डेट्स जो है वो आपने डिस्प्ले नहीं किया हुआ है इसमें, सो ओके फाइन. तो देखिए ये जो अभी कमिंग ट्यूसडे है नेक्स्ट वीक, तो उस पे हमारी पहली क्लास होगी और उसके बाद हम एक और क्लास लेंगे
बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होता है, बेसिक्स का थोड़ा सा नॉलेज दिया जाएगा फर्स्ट क्लास में, और उसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाद जो थर्सडे है जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वहां से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट ट्यूजडे इज 28th, ठीक है। उसके बाद जो 30th आ रहा है, 30th से 30 तारीख से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। 30th से अच्छा, फर्स्ट तो आपका वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाएगा ना? इंट्रोडक्टरी नहीं होता है, काफी कुछ मैं उसमें बेसिक्स बताऊंगी आपको पहले, क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक किया है और अगर अभी भी कोई करना चाहता है तो वी ऑलरेडी हैव द बेसिक कोर्स ऑन द पोर्टल, तो आप वहां से उसको परचेज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि वी स्टिल हैव टाइम ऑफ वन वीक, तो आप वो वहां पर करके देन यू कैन प्रोसीड इन दिस एडवांस वन, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वी हैड जस्ट फिनिश्ड इट लास्ट वीक ओनली, तो बेसिक था। ओके जी मैम, तो चलिए कोई क्वेरी नहीं है, सो विल एंड द सेशन, इट्स ऑलमोस्ट 6। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइड, थैंक यू मैम फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।